इंडस्ट्रियल गियर्स की निर्माता कंपनी एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने उन्नत सुविधाओं के साथ ईओएन सीरीज गियर बॉक्स के अपने उन्नत संस्करण को लॉन्च किया। गियर मैन्युफैक्चरिंग में एलेकॉन की 7 दशकों की गहरी डोमेन विशेषज्ञता का लाभ देती है। न्यू ओएन का रखरखाव और इसे इंस्टॉल करना आसान है। इसके कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद यह अपने उच्च टॉर्क और गियर अनुपात के साथ बेहद कुशलता के साथ कार्य करता है। यह ग्राहकों को कम डाउन टाइम और अधिक प्रोडक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के हेतु एलेकॉन की योजना दुनिया भर के विभिन्न शहरों में स्थानीय स्विफ्ट सेंटर्स शुरू करने की है, जहां न्यू ईओएन गियर बॉक्स को असेंबल किया जा सके। दिल्ली से dailynewsonline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। और स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत समय से अपने 1951 से आप जो अपने वर्ग में कर लगे हुए हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पीछे आने वाले टाइम में जिस तरीके स्टील के जो दाम बढ़े हैं उसको ऑल ओवर कितना फर्क पड़ा है, जिस तरीके से और स्टील की आउटपुट तो ज़्यादा है लेकिन इंडस्ट्री में उसकी मांग बहुत कम होती चली जा रही है, इस वजह से बड़ा इसमें पैरेलल जो बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा। हम जो सप्लाई करते हैं ये गेयरबॉक्स स्टील इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। स्टील पे जिस तरीके से दाम और GST भी बढ़ा, दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और जो बाहर से जो इस तरह से उन्होंने आई इनपुट जो इनकमिंग में जो उन्होंने टैक्स रिपेट दी है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री को? सी जो हमें अपने प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जो उनको प्रोडक्ट को उनको अगर सस्ते दामों में मिलेगा, अच्छे दामों में मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी जो आउटपुट है वो बेटर होगी, तो उससे डेफिनेटली कंपटीशन में उनको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट 2024 वी हैव गिवन अ गाइडेंस टू आवर स्टेक होल्डर्स ऑफ 2000 crore कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर FY 2024 and we are still sustaining the same also. तो गियर किस तरीके से कौन कौन इंडस्ट्री है जो यहाँ पर आपके साथ टायर पर सिस्टम कंसर्न है जो जो आपके साथ लगी पड़ी है और मांग और डिमांड क्या रहती है? ये कंसिस्टेंट रहता है, ये मांग दोनों तरीके से आता है। मांग कैपेक्स जब नया कोई प्लांट आता है तभी भी हमारा गियर बॉक्स का डिमांड रहता है, एज वेल एज ये गियर बॉक्स ऑल्सो इज हैविंग इज ओन लाइफ, सो रिप्लेसमेंट मार्केट भी रहता है, सो मांग हमारा कंटिन्यूअल रहता है। इस समय जिस तरीके से नए खेलों का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता चला जा रहा जिस तरह से अगर अभी जैसे देखते हैं कि भारत में भी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नाउ ग्रोइंग, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नया जो अभी बजट दिया है उसमें भी उन्होंने फोकस पूरा इन इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करने का टारगेट दिया है, उसके हिसाब से कोर इंडस्ट्री जैसे सीमेंट स्टील पावर एंड मटेरियल हैंडलिंग दोज विल शुगर दिस विल गो अप और डिमांड उसके साथ अगर इंडस्ट्री इंप्रूव होगा तो डिमांड फॉर द गियर बॉक्स ऑल्सो विल इंप्रूव एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प विद दिस लॉन्च ऑफ द नया जो अपने सीरीज लॉन्च किया है ईओएन सीरीज, उससे उनको भी फायदा होगा। इट इज़ प्रूव फॉर कस्टमर्स बाय गिविंग द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर देम एंड लॉन्ग रन ऑल्सो इसका फायदा भी उनको मिलेगा, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट उनका कम आएगा जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, जो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट से काफ़ी उनमें बचत हो सकती है। मार्केट एक्सपेंशन नाउ अवर फ्यूचर प्लान इज टू गो एक्सपोर्ट वेयर वी आर सीइंग द लॉट ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। प्रेजेंटली वी हैव वेरी मीगर मार्केट से एंड वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओनली वेयर आई थिंक वी आर नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग द एंड पेनिट्रेटिंग द ओवरसीज मार्केट पर्टिकुलरली यूरोप एंड हमारा फोकस ज़्यादा OEM मार्केट पे रहेगा बिकॉज OEM मार्केट विल ऑल्सो हेल्प इन द यूरोप बिकॉज यूरोप इज़ अ ग्लोबल सप्लायर फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड मशीनरीज।